एक व्यक्ति की डिग्निटी के साथ इतना छेड़छाड़ किया जा रहा है, इतना खेला जा रहा है कि उस महिला को नौकरी से तो निकाल ही दिया गया, उल्टा उसके खिलाफ जालसाजी से गलत दस्तावेज बनाए गए, फर्जी दस्तावेज बनाए। एक आवाज जब हम उठाते हैं इस देश के अंदर अंबेडकरवादी लोग, तो हमारे खिलाफ FIR हो जाती है, पुतले फूंक दिए जाते हैं, हंगामा मचा दिया जाता है, गंदी गाली दी जाती है, जवान काटने की, सर कलम करने की, 100 जूते मारो, इनाम दे ले जाओ, इनाम रखे जाते हैं हमारे सर पर। यानी सही बात कहने पर भी यहाँ एक अपराधी अंदर आराम से बैठी है, तो आज ये क्यों नौकरी पर है? कि इस देश के अंदर ये ऐसा ही संविधान चाहते हैं जिस संविधान में अपराधी दोषी मजे मारे और मेधावी और मेहनती लोग सड़कों पर पड़े। और रही बात संविधान को बदलने की, संविधान तो इनके बाप से भी नहीं बदला जाएगा। बेमतलब की बात चलाते हैं, शिकोपा छोड़ते हैं, चेक करते हैं, पिन मारते हैं, देखते हैं कितना ये लोग हल्ला मचाएंगे, नहीं मचाएंगे तो फिर हम लोग जो है और उल्टे सीधे काम करेंगे। ये देश विकसित देश बन जाएगा जिस देश की मानसिकता में अभी भी महिलाओं को सड़क पर चलते हुए रेप की नजर से देखा जाता है। विकसित बनाने के लिए लोगों की सोच पे काम करना पड़ेगा। भाषणों से नहीं बनता है विकसित, बस बाहर एक जुमला मार देंगे उसी से बन जाएगा। विकसित बनाने के लिए विज्ञान पे काम करना पड़ेगा, पाखंड पे नहीं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं निर्देश सिंह, जो कि लगातार बहुजनों की आवाज़ उठाती हैं, संविधान की बात करती हैं। यहाँ पर जो है डॉक्टर ऋतु का धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज यहाँ समर्थन देने के लिए आई हुई हैं। आप डॉक्टर ऋतु का समर्थन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, वो जो है सविता रॉय की गिरफ्तारी के लिए धरने पर बैठी हैं। उसी सविता रॉय को बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है, मंच पर अवार्ड दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिसने भी इस देश में बहुजनों का द्रोण बन के अंगूठा काटा है, उसको मनु पुत्रों ने सम्मान दिया है। ये अब आज का नहीं है, हजारों वर्षों का संघर्ष है। जब जब ये मनुस्मृति के आधार पर इस देश के दमित, शोषित, वंचित किसान के बच्चे, मजदूरों के बच्चों का जब द्रोण बन के उनका अंगूठा काटेंगे, उनको एकलव्य घोषित करेंगे, तो क्या होता है ना कि इनको फिर पुरस्कार दिए जाते कि शाबाश, बहुत अच्छा अंगूठा काटा है, अगली बार और काटना, और जितने भी इनके मेधावी बच्चे हैं उन सबका अंगूठा काट के ले आओ, तो ये इनको पुरस्कारित किया जाता है, मनोबल बढ़ाया जाता है, हौसला दिया जाता है कि ऐसे अंगूठे काटने के लिए आप खुले आज़ाद हैं, आपके साथ सरकार भी दे रही है और प्रशासन भी दे रही है। आज जो है 9वां दिन है प्रदर्शन का, धरने का, क्या कुछ असर होता हुआ दिख रहा है? देखिए, जब जब इस देश के अंदर आवाज़ें उठी हैं तो अपराधी लोग अंदर से घबराए हैं, बौखलाए हैं। वो अलग बात है कि वो ये दिखाते कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देश का राजधानी क्षेत्र है, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर और इस विश्वविद्यालय के आगे से दिन भर में लगभग 1000 गाड़ियां गुजरती हैं और सबको पता है यहाँ पर ये चल रहा है। पूरे विश्वविद्यालय का हजारों बच्चे अंदर जाता है, इस गेट से आता है, इसमें फैकल्टी के जितने भी लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी जाते आते हैं। पूरा शासन इसका, जितना भी प्रशासनिक जो इसका मैनेजमेंट का जो ग्रुप है, वो सब इसी गेट से आता जाता है, देख रहा है, चल रहा है, लेकिन डर जो है अंदर का वो दिखाना नहीं चाह रहा। क्या होता है ना कि जब अपराधी व्यक्ति डरता है तो वो ये साबित करता है कि मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन वो अंदर से घबराया होता है। यहाँ पर सविता रॉय जिस तरह से घबराई हुई हैं, उनकी घबराहट को कम करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है कि घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं, आपने बुरा नहीं किया है, आपके खिलाफ भले ही चार्जशीट होगी, लेकिन इनका तो हम अंगूठा कब से काटते आए हैं, एक एकलव्य का अंगूठा द्रोण ने काटा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तो न्याय मिले, और न्याय होना इस देश का संविधान भी बात करता है, और इनको न्याय मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सविता रॉय के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें जालसाजी से कागजों को तैयार करना, दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना, नकली दस्तावेज बनाना, इन सब धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। और इसके ज़्यादा बात यह है कि दर्ज होने के बाद ये साबित हो चुका है कि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट डॉक्टर ऋतु के खिलाफ तैयार किए थे, जिसमें इन्होंने 35 बच्चों की फर्जी एप्लीकेशन लिखवा के उनके सिग्नेचर किए थे, जो 35 बच्चे पूरी फैकल्टी में नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसी फर्जी कागजात तैयार करने वाले जो भी अपराधी होता है उसको कम से कम 7 साल की सजा होती है साबित हो जाने पर, और इनके ऊपर ये चार्जशीट दाखिल हो चुकी है कि इन्होंने ऐसा किया है। तो आज ये क्यों नौकरी पर हैं? एक आवाज़ जब हम उठाते हैं इस देश के अंदर अंबेडकरवादी लोग, तो हमारे खिलाफ FIR हो जाती है, पुतले फूंक दिए जाते हैं,
हंगामा मचा दिया था, गंदी गाली दी जाती है जवान काटने की, सर काट कलम करने की, और यहाँ तक कि कहते हैं कि 100 जूते मारो, इनाम दे ले जाओ, इनके साथ ये करो, इनाम ले जाओ, इनाम रखे जाते हैं हमारे सर पर। यानी सही बात कहने पर भी यहाँ एक अपराधी अंदर आराम से बैठी है और यहाँ पर एक जो निर्दोष है वो निर्दोष शिक्षक बाहर सड़क पर बैठे, तो यही साबित होता है कि इस देश के अंदर ये ऐसा ही संविधान चाहते हैं, जिस संविधान में अपराधी दोषी मजे मारें और मेधावी और मेहनती लोग सड़कों पर पड़े रहे। आप संविधान की बात करते हैं, पहले संविधान ही बदलने की बात हुई थी, अब जो है संविधान के अंदर से इंडिया और भारत का नाम जो है सिर्फ भारत रखने की मांग हो रही है, इंडिया हटा देने की मांग उठ रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि एक विपक्ष इकट्ठा होकर के उसको इंडिया नाम दे दिया, बस इस बात से नाराजगी। भारत को आप बदल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि भारत का जो मूल ढांचा है संविधान की प्रस्तावना, उसके अंदर आप कई बार छेड़छाड़ करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कह दिया कि इसके अंदर आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये भारतीय संविधान की आत्मा है, इसको बदला गया तो भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें छेड़छाड़ की जाएंगी, क्योंकि उसके हर शब्द का मतलब पूरे भारतीय संविधान को डिफाइन करने का मकसद है, और पूरे भारतीय संविधान को यदि आप नहीं पढ़ पाए तो उसकी प्रस्तावना पढ़ के देख लें कि उसमें सारा वो निचोड़ दर्ज किया गया है जो पूरे भारतीय संविधान के समस्त अनुच्छेदों में लिखा गया है, ठीक है। समता की बात, स्वतंत्रता की बात, बंधुता की बात, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात डिग्निटी की बात, बराबरी की बात। तो डिग्निटी से जीने के लिए हर नागरिक यहाँ पर स्वतंत्र है, उसका अपना मौलिक अधिकार है कि वो डिग्निटी के साथ जिए। डिग्निटी के साथ जीने वाली डॉक्टर रितु के साथ आज क्या हो रहा है, और ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है सीधे सीधे कि एक व्यक्ति की डिग्निटी के साथ इतना छेड़छाड़ किया जा रहा है, इतना खेला जा रहा है कि उस महिला को नौकरी से तो निकाल ही दिया गया, उल्टा उसके खिलाफ जालसाजी से गलत दस्तावेज बनाए गए, फर्जी दस्तावेज बनाए गए। और रही बात संविधान को बदलने की, संविधान तो इनके बाप से भी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि जब संविधान नहीं बदला गया, जब देश के अंदर लोग संविधान को नहीं जानते थे, आज तो लोग संविधान के बारे में पूरा जान चुके हैं कि संविधान ही हमारे सम्मान की और सुरक्षा की गारंटी है, तो आज कैसे संविधान बदलने देंगे। ये तो एक बेमतलब की बात चलाते हैं, शिकोपा छोड़ते हैं, चेक करते हैं, पिन मारते हैं, देखते हैं कितना ये लोग हल्ला मचाएंगे, नहीं मचाएंगे तो फिर हम लोग जो है और उल्टे सीधे काम करेंगे। लेकिन इस देश के अंदर अब आप ये सब हल्ला बंद कर दो, देश की जनता जिस दिन सवाल करने लगी, जिस दिन तुम्हें पकड़ पकड़ के जवाब मांगने लगी, तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होंगे और तुम संख्या में मात्र 3% हो। जिस दिन ये उठ करके ये कहने लगे कि भाई मेरा हक कहाँ है, तो उस दिन तुम्हारे पास जवाब नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी का कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक वो भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। देखिए अभी तक तो विकासशील भी लटका पड़ा है, देश के अंदर भुखमरी, गरीबी, बेगारी और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, किस आधार पर कैसे बनाएंगे, बस बाहर एक जुमला मार देंगे उसी से बन जाएगा, हैं। देश के अंदर 20 से 22 करोड़ लोग आज भी रात को भूखे सोने पर मजबूर हैं, तो ये देश विकसित देश बन जाएगा जिस देश के अंदर करोड़ों लोग भूखे सो रहे हों, ये देश विकसित देश बन जाएगा जिस देश की मानसिकता में अभी भी महिलाओं को सड़क पर चलते हुए रेप की नज़र से देखा जाता है। विकसित बनाने के लिए लोगों की सोच पर काम करना पड़ेगा, विकसित बनाने के लिए समानता पर काम करना पड़ेगा, विकसित बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना पड़ेगा, भाषणों से नहीं बनता है विकसित, विकसित करने के लिए इस देश की महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा, विकसित बनाने के लिए विज्ञान पे काम करना पड़ेगा, पाखंड पे नहीं, विकसित बनाने के लिए यहाँ पर लोगों के स्टूडेंट के IQ पे काम करना पड़ेगा, उन्हें कथा हवन और ये पाठ जो कराते हैं इसे हटा करके पहले आप उन्हें विज्ञान की ओर तो लाइए। चाइना ने स्टूडेंट्स की फीस तो माफ कर दी, लेकिन उनके उनके ब्रेन का यूज करके उनसे नए नए प्रोडक्ट बनवाए, आज पूरे विश्व में उसके प्रोडक्ट जाते हैं, हमारा भारत खुद उसके प्रोडक्ट यूज करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसने ब्रेन पे काम किया, उसने धर्म पे काम नहीं किया। हमारी सरकारें धर्म पे काम करती हैं और ब्रेन को और विज्ञान को पीछे छोड़ देती हैं। तो देश अगर विकसित करना है तो उसके लिए आपको विज्ञान की तरफ चलना पड़ेगा। वेदों ने, ग्रंथों ने, पुराणों ने, किसी ने भी आज तक चांद पे जाने का कोई रास्ता नहीं बनाया, कोई सैटेलाइट नहीं बनाई, लेकिन विज्ञान ने बना दी। अगर इस विज्ञान को हम पहले से ज़्यादा तरजीह देते, तवज्जो देते, तो ये और भी काम कर सकता, तो हमें विज्ञान पर पैसा खर्च करना चाहिए, पाखंड पे नहीं। तो साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अगर विकसित बनाना है भारत को, देश को, तो दिमाग विकसित करना जरूरी है, दिमाग में जागरूकता लानी जरूरी है। सड़कों पर जैसे ही निर्देश ने साफ तौर पर बताया कि महिलाओं को चलते हुए सड़कों पर रेप की दृष्टि से देखा जाता है, तो इस दृष्टि के साथ विकसित देश तो नहीं बन पाएगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, जनहितावाद।